राख कर दूंगा, जैसे मैं साक्षा बहु को जलाकर राख कर दिया दहेज न मिलने के कारण। आज साथियों सातवीं बहु कविता को जलाकर राख कर दूंगा, रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कैसी लगती है? अरे तुम्हारी भाभी तो विश्व सुंदरी है रे, विश्व सुंदरी है। हाँ हाँ भगवान, काली कलूटी है। हाँ? एकदम काली कलूटी है, खाना बनाती एकदम खराब। हाँ? रोटी कच्ची और पक्की बनाती है। हाँ? भैया हाँ, हाँ, बोलो मैं कैसी लगती हूँ? अरे बहन तू तो बहुत सुंदर लगती है रे, बहुत सुंदर है। अच्छा हाँ, हाँ। लेकिन भैया हाँ, हाँ बोलो, आप जो भाभी के साथ कर रहे थे वही मेरे साथ कर। क्या कहा सही काज में बिट्टी कि जो उन भौजी के साथ करत रहन वही एकरे साथ है। भैया क्या है? अब मैं जवान हो गई हूँ ना। हाँ हाँ बहन, तेरे कहने का मतलब मैं समझ रहा हूँ। अब तू जवान हो गई है, मैं एक अच्छा सा लड़का देकर मैं तेरी शादी कर दूंगा। हम बेकार है का? तू तो सारे कथा मनाई है। लेकिन भैया हाँ? मेरे साथ भी कुछ करो ना। अरे बहन सपना क्या कर रही है? सुनिए भैया, Thank you.
भैया क्या है रे? देखो मुझे कुछ कुछ हो रहा नेता भैया बहुत बढ़िया करो बिट्टी जना आई गो भाभी की जान बचाए दू मेरे भैया बहुत बड़े कमीने हैं कुत्ता बात ऐसा लाऊ अगर आज ऐसा मैं नहीं करती ना तो मेरे भैया मेरी भाभी का जान ले लेते मुन्ना सही कहती है बिट्टी बढ़िया करो तू आई के बचा लू हमारे मिथिलेश कुमार प्रजापति भैया जो कि ग्राम सभा बिरियों के पवन धरती चल के आए हुए हैं ए बाबूजी जो कि सीन देखते हुए 11 रुपया महान पुरस्कार दे रहे हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है आज अगर तो वक्त पर नहीं होती तो मैं समान में तुम्हें दिखाने के लग रही थी ना घर में रहूंगी भाभी आपके साथ रहूंगी भाभी आपको कुछ नहीं होने दूंगा भाभी कुछ नहीं होने दूंगी बुढ़िया कब तक तू मेरी आबरू बचाती रहेगी भाभी मेरा कहा मानो भाभी आप अपने मायके चली जाओ भाभी जब तक मेरे भैया शंकर सिंह नहीं आ जाते तलक तुम यहाँ नहीं आना भाभी कभी नहीं आना
चले घर में, नहीं तो मेरे भैया अगर भाभी को देखेंगे जाते हुए तो जरूर भाभी के पीछे जाएंगे। मैं घर में चले संगीत पार्टी के सभी कलाकारों के साथ आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद की कामना करता हूं। ड्रामे के माध्यम से आप सब हमारा परिचय लीजिए, मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं। सामिन हजरत, मैं अजीज पठान हूं और गोविंद नगर का रहने वाला हूं। मुझसे छोटा मेरा एक भाई है जिसका नाम सावन है, और मेरी एक बहन है जिस बहन का नाम कविता है। कविता की शादी मैंने कर दिया है, और मेरी बूढ़ी माँ है जिनका नाम कामिनी है। आप लोग हैरत में पड़ गए होंगे कि अपना नाम तो अजीज पठान बता रहा है और अपने भाई का नाम सावन बता रहा है। साथियों, इसमें हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी अम्मी अब्बू जान बचपन में ही उनका इंतकाल हो गया, मैं बेसहारा था, मेरी परवरिश सावन की माँ कामिनी ने किया। मैं उन्हें अपनी सगी माँ समझता हूँ और वो भी मुझे अपना सगा बेटा समझती हैं। घर की परेशानी देखकर मैं माँ की चोरी शहर में कमाने चला गया, इसलिए कि भाई सावन पढ़ रहा है। मेरे दिल में ये उम्मीद है कि मेरा भाई पढ़ लिख कर एक दिन जरूर कोई अच्छा नागरिक बनेगा और मेरा नाम रोशन करेगा। और शहर में रहते रहते माँ की याद आ रही है और मैं सोच रहा हूँ चलो माँ कामिनी से मुलाकात करूँ, अपने भाई सावन से मुलाकात करूँ, उसके बाद हम और सावन बहन कविता के घर जाऊंगा। वालेकुम अस्सलाम, और बताओ सब खैरियत तो है ना भाईजान? मेरे तो सब ठीक है भाईजान। ये बताइए भाईजान, तुम्हारे क्या समाचार है भाईजान? अपना भी सब ठीक है, तुम्हें तो मालूम है। हाँ भाई जान। कि मैं काफी दिन से शहर में रह रहा हूँ और आज मुझे अपने घर की याद आ रही है, चलो अपने भाई सावन से मुलाकात कर लूँ और माँ कामिनी से। ठीक है भाई जान। भाई जान, चलने से पहले भाई जान, जो हम तुम मड़ही में रहते थे भाई जान, आप कुछ मुनमुना रहे थे भाई जान, आए हुए हो वही आप बोलते ही चलिए, उसके बाद घर से माँ से मिलते हैं और भैया से मिलते हैं। ठीक है, समय तो कम है लेकिन फिर भी तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं एक छोटी सी कवाली पेश करने जा रहा हूँ। जहाँ कई टूटियाँ हो आप लोग दया के सागर हैं, हमारी गलती को माफ करना।
अजमेर वाले इरादे लाख बनते और बनकर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें खाजा हाजीगंज सुराव के रहने वाले हैं, 21 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं।